आज हम क्या शुरुआत करेंगे? देखो, हम जानेंगे कि क्या आने वाले समय में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लमसम क्लोज हो सकता है। ऐसे तो अभी कुछ एक म्यूचुअल फंड में लमसम क्लोज है, लेकिन क्या आने वाले समय में स्मॉल कैप कैटेगरी के अधिकतर म्यूचुअल फंड या पूरे म्यूचुअल फंड में लमसम क्लोज हो सकता है? आज हम इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि कैसे हम लमसम का प्लान करें जो ऐसे म्यूचुअल फंड में लमसम क्लोज हुआ है, इसके लिए हम क्या क्या स्ट्रैटेजी बना के चलें। चलिए वीडियो का विश्लेषण स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। क्या आने वाले समय में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का लमसम क्लोज हो सकता है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और इन्वेस्टर जानना चाहते हैं, लेकिन इसका विश्लेषण रखने से पहले मैं आपके सामने कुछ डाटा रखना चाहता हूँ। देखो, अगर पिछले 6 महीने का डाटा देखे तो पिछले 6 महीने में कुछ ऐसे कैटेगरी हैं जो सबसे ज़्यादा पैसा बना के दिए हैं। जैसे आप देख सकते हो, FMCG ने यहाँ पे कैटेगरी एवरेज में 16 से 17% का रिटर्न दिया है। अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो स्मॉल कैप में 14 से 15% का रिटर्न है। अगर मैं इक्विटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो 13 से 14% और मिड कैप में 11 से 12% का यहाँ पे कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है। वहीं पे टॉप परफॉर्मेंस की बात करें कि कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड जो अपने कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं, तो वो कैसा आंकड़ा है? FMCG में 16% का टॉप परफॉर्मर दिख रहा है, स्मॉल कैप में 21% का टॉप परफॉर्मर दिख रहा है, इक्विटी इंफ्रास्ट्रक्चर में 20 से 21 और मिड कैप में 17 से 18% पिछले 6 महीने में देखने को मिला है कि स्मॉल कैप, FMCG सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और मिड कैप ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसा बना के दिया है। अब जहाँ पैसा बनता है, इन्वेस्टर वहाँ पे पैसा लगाना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे रिटर्न दिखता है, अट्रैक्ट होके इन्वेस्टर वहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। यही रीज़न है कि जो ये स्मॉल कैप कैटेगरी है, इसमें इन्वेस्टर ने पिछले 6 महीने में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया, और काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाने के चक्कर में यहाँ पे धीरे धीरे AUM काफ़ी बड़ा होता हुआ देखने को मिला है। देखो, अगर FMCG में ज़्यादा पैसा लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ज़्यादा पैसा लग रहा है, यहाँ पे अगर कोई और कैटेगरी का फंड है उसमें ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो वहाँ पे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, वहाँ पे फंड मैनेजर ब्लू चिप स्टॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन स्मॉल कैप में प्रॉब्लम क्या है कि स्टॉक्स का कैपिटलाइजेशन उतना बड़ा नहीं है और उसमें उतना ज़्यादा पैसा लगाना काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाता है। तो इसीलिए स्मॉल कैप में फंड मैनेजर के लिए काफ़ी टेंशन की बात होती है कि पैसे को कैसे पार्क करें, और पिछले 6 महीने में यहाँ पे धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट हुआ है स्मॉल कैप में। और टाटा स्मॉल कैप का अभी कुछ दिन पहले लमसम बंद हो गया था, निपोन इंडिया स्मॉल कैप का यहाँ पे लमसम बंद हो गया था, SBI स्मॉल कैप का ऑलरेडी लमसम बंद है, और भी स्मॉल कैप फंड का लमसम हो सकता है या पूरे स्मॉल कैप कैटेगरी में यहाँ पे लमसम क्लोज हो सकता है। देखो, ये पॉसिबिलिटीज है कि कुछ एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का यहाँ पे लमसम क्लोज हो जाए। मैं क्यों ऐसा स्टेटमेंट दे रहा हूँ? सबसे फर्स्ट रीजन मैं आपके सामने रखता हूँ, SBI स्मॉल कैप, निपोन इंडिया स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, ये 3 ऐसे स्मॉल कैप हैं जिसमें लमसम क्लोज है। अब जो इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में किसी स्मॉल कैप को जगह दिए थे, मान लो ये 3 स्मॉल कैप को जगह दिए थे, अब इसमें लमसम अलाउ नहीं है, तो वो किसी दूसरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पे शिफ्ट होंगे। अब जब निपोन इंडिया स्मॉल कैप में जो लमसम करने वाले थे, टाटा स्मॉल कैप में जो इन्वेस्टर लमसम करने वाले थे, अब वो दूसरे स्मॉल कैप में लमसम करेंगे, तो वहाँ पे इन्वेस्टर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इट मीन्स वहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा दूसरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। और ऐसे अभी बहुत सारे स्मॉल कैप फंड हैं जहाँ पे अभी AUM कम दिख रहा है, लेकिन जब यहाँ पे इन्वेस्टर शिफ्ट होंगे, लमसम के समय में वहाँ पे पैसा लगाएंगे, तो वाकई में उनका भी AUM काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। जब उनका भी AUM तेजी से बढ़ेगा, तो फंड मैनेजर के लिए डिसीजन लेना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और फंड मैनेजर भी जानते हैं कि ऐसे सिचुएशन में अगर हम बहुत ज़्यादा पैसा लेके यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, हमारे फंड के रिटर्न्स में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसे फंड्स हैं जिनका AUM बढ़ता जाए, वो अपना लमसम क्लोज कर दें, क्योंकि जो टाटा स्मॉल कैप में लमसम कर रहे थे, निपोन इंडिया स्मॉल कैप में लमसम कर रहे थे, वो इन्वेस्टर अब दूसरे स्मॉल कैप में शिफ्ट होंगे लमसम के लिए स्पेस। दूसरा रीजन मैं आपको ये भी रख सकता हूँ कि अगर मार्केट रुकता नहीं है, मार्केट एक रैली बना के चलता है, अगले साल मान लो कि निफ्टी यहाँ पे 22 से 23 हज़ार के करीब में हो जाता है या फिर 24 हज़ार के करीब पहुँच जाता है,
तो देखो मार्केट तो लगातार बढ़ता जा रहा है, स्मॉल कैप स्टॉक्स का प्राइस भी लगातार बढ़ता जा रहा है, और काफ़ी स्मॉल कैप स्टॉक्स महंगा हो जाएगा तो वहाँ पे फंड मैनेजर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसे स्थिति में फंड मैनेजर डरेंगे बहुत बड़ा पैसा लगाने में, और वहाँ पे हो सकता है कि अधिकतर फंड मैनेजर जो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है वहाँ पे लमसम को क्लोज करते। अगर मार्केट यहाँ से रैली बनाता गया 22 से 23 हज़ार के लेवल को टच कर गया तो हो सकता है यहाँ पे फंड मैनेजर डिसीजन ले ले, क्योंकि मार्केट काफ़ी महंगा हो जाएगा और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना महंगे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रिस्क जनरेट करेगा। तो ये दो रीज़न के चलते हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं जिनका लमसम क्लोज हो सकता है। देखो ऐसे तो कोई भी गारंटी के साथ नहीं बता सकता, लेकिन कुछ आंकड़े हैं उसके बेसिस पे आपके सामने मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। लेकिन हम प्लान कैसे करें, ऐसे म्यूचुअल फंड में हम कैसे प्लान करें? अभी कुछ दिन पहले मैंने टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजी लेके आपके सामने आए थे कि हम कैसे ऐसे स्मॉल कैप को लमसम के लिए प्लान कर सकते हैं। 3 से 4 स्ट्रैटेजी मैंने रखा था, जो इन्वेस्टर वाकिफ होंगे तो वो स्ट्रैटेजी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आप निपोन इंडिया स्मॉल कैप में या टाटा स्मॉल कैप में लमसम करना चाहते हो तो वो स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे अपने लमसम को ना SIP के तौर पे इन्वेस्ट करो। लमसम को SIP के तौर पे कैसे इन्वेस्ट करोगे? आप मान लो कि 2 लाख का लमसम करना चाहते हो किसी म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप का, जैसे कि निपोन इंडिया स्मॉल कैप का हम नाम लेते हैं, तो 2 लाख का लमसम आप या तो SIP के तौर पे कर दो, आप कर सकते हो, अगले मंथ जाके वहाँ पे आपको SIP स्टॉप करना पड़ेगा, या फिर उसको यहाँ पे 1 साल में डिवाइड कर दो, टोटल यहाँ पे 16,500 का हर मंथ का SIP कर दो, यहाँ पे 10 से 12 महीने में आपका 2 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, SIP के तौर पर होगा। आपके पास 10 साल या 15 साल का समय हो तभी करना, सिर्फ 2 और 3 साल के लिए ऐसे स्ट्रैटेजी को अप्लाई नहीं करना। मैं इन्वेस्टर को ये भी बताना चाहता हूँ कि देखो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आने वाले समय में जब बहुत बड़ा गिरावट होगा ना तो ऐसे फंड्स आपको मौका देंगे। मौका देंगे मतलब ऐसे फंड्स लमसम का विंडो ओपन करेंगे। मैंने कई बार देखा है SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साइड से ये डिसीजन लेते हुए कि जब मार्केट में गिरावट होता है तो वहाँ पे लमसम का विंडो ओपन होता है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखता हूँ जिसके बेसिस पे आप समझ पाओगे कि वाकई में क्या ऐसा पॉसिबल है। देखो जो ये मैं डाटा रख रहा हूँ एक आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है मार्च 29, 2020 को, SBI म्यूचुअल फंड्स ओपन इट्स स्मॉल कैप फंड फॉर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आफ्टर 4 ईयर्स। और ये कब की बात है, जब COVID-19 का सिचुएशन मार्च में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला था और वहाँ पे काफ़ी स्मॉल स्टॉक्स टूट चुके थे तो विंडो ओपन हो गया। उसके बाद आप देखोगे कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में काफ़ी इन्फ्लो हो गया, कलेक्शन ज़्यादा हो गया, तो फिर से SBI स्मॉल कैप को बंद कर दिया गया। देखो ये आर्टिकल है आप देख सकते हो 4 सितंबर 2020 का, इसमें आप आर्टिकल में देख सकते हो SBI स्मॉल कैप फंड टू स्टॉप लमसम इन्वेस्टमेंट आफ्टर 7 सितंबर। तो फिर से सितंबर में यहाँ पे लमसम को क्लोज कर दिया गया था, जो विंडो था उसको स्टॉप कर दिया गया था कि अब कोई लमसम नहीं कर सकता है। तो मार्केट में कभी ऐसा गिरावट होगा, कभी भी आपको ऐसा सिचुएशन देखने को मिलेगा तो ऐसे फंड में आपको मौका मिलेगा और आप वहाँ पे पैसा लगा सकते हो लमसम के तौर पे। तो ऐसा घबराने की बात नहीं है कि अगर कुछ बहुत बड़ा गिरावट हुआ तो क्या ऐसे फंड्स लमसम एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, ये टेम्प्रोरी है, कभी भी आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए, आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब लाइक और शेयर तभी स्टार्ट करें, फिर लेके नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।